हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे कि अब जीरो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जीरो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखिएगा, इट इज अवर अर्थ, कुछ ऐसा है। और ये इसका एक्सिस है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड टेक t इज इक्वल टू 24 आवर टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, सो वी कैन से टाइम पीरियड अबाउट ऑन इट्स ऑन एक्सिस व्हाट 24 आवर, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, और आगे देखो, ये इसका इक्वेटर है, क्लियर। तो इसके अलोंग जो प्लेन होगा उसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, सोचो ये एक स्फीयर है और इक्वेटर के अलोंग अगर इसको कट करोगे तो एक प्लेन मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, क्लियर है ना। स्फीयर है, इसे बीच से कट करोगे ऐसे तो ये दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे, तो ये जो प्लेन बचेगा दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये इक्वेटर है। तो ये हम लोग को तो सीखना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। तो सुनना, ऐसा सैटेलाइट जो इक्वेटोरियल प्लेन में, देखिए इक्वेटोरियल प्लेन है, इस प्लेन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे वाले सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। रीजन भी है इसका इस प्लेन में। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन, क्या कौन सा प्लेन हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। और यहां ये सैटेलाइट है और वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। इसमें खास बात यह है कि इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर होता है और साथ साथ जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन है वही इस सैटेलाइट का है। जो अर्थ का टाइम पीरियड है ऑन इट्स एक्सिस, वही टाइम पीरियड इस सैटेलाइट का है। ऐसा होने से क्या होता है कि अर्थ के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से अगर जो आप इसे देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इट इज इन अ स्टेशनरी कंडीशन, सो इट इज नोन एज और सो इट इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी, और बोले तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्योंकि जब इसे आप ऑब्जर्व करते हैं कि स्पेसिफिक प्लेस से तो वो आपको स्टेशनरी ऑब्जर्व होता है। वो इसीलिए बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि मैं आपको एक एग्जांपल एक बॉल के थ्रू देता हूं, थोड़ा वेट करना। चलिए देखिए, अब ये हमारा अर्थ है। ठीक है, मेरे पास एक बॉल था, सो मैंने ये बॉल ले आया और कुछ ऐसा मैं यहाँ पे मार्क कर लिया, ये ऐसा मार्क किया ना, इट इज इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, क्लियर। तो जब ये ऐसा रोटेट करेगा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, वो सैटेलाइट सोचो कि यहां पे है अभी जस्ट इसके ऊपर, और
इस सैटेलाइट का भी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो वही है जो अर्थ का है। तो जब ये सोचो ऐसा रोटेट करेगा तो ये रोटेट होके कुछ एंगल टर्न हुआ, तो ये भी इसके साथ आगे, मीन्स जो पर्सन यहां से देख रहा है उसे क्या लगेगा कि इसके ऊपर ही है। अब देखो ना, मैं इसे घुमा के इसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ जिधर जिधर ये जाएगा क्या ही लगेगा, ऐसे ऐसे तो हो रहा है, तो हमेशा लगेगा कि ये जस्ट इसके ऊपर है। जिस भी एंगल से इसे देख रहा होगा, जैसे भी देख रहा होगा, उसे वहां ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कि वो स्टेशनरी है। और रीजन सिंपल सा कि जितना एंगल टर्न ये लिया उतना ही एंगल ये भी टर्न ले लिया, जैसे हमने पढ़े थे ना रिलेटिव वेलोसिटी, वैसे ही केस है। क्लियर? तो ऐसा लगता है कि ये स्टेशनरी है, समझ रहे ना मेरी बात को, कि स्टेशनरी लगने का रीजन क्या हुआ कि देखा जाए तो रिलेटिव जो एंगुलर स्पीड है वो क्या ही है, जीरो है। तो क्या ही लगेगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कि वो स्टेशनरी है। ठीक है, चलिए अभी हमने बस इतना सा सीखा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से जब ऑब्जर्व किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, इसलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। ठीक है ना, इक्वेटोरियल प्लेन मैंने आपको बता दिया कि ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, तो ये इसको कट करेंगे तो एक प्लेन मिलेगा, तो इसी के प्लेन में ऐसे ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, ओके। तो मैं कुछ वर्ड यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे इसी के बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। पहली चीज, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कितना, 24 आवर। ठीक है, दूसरा सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन एज दैट ऑफ द अर्थ, इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो अर्थ का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वही है, सेम है दोनों का, और टाइम पीरियड भी वही है, टाइम पीरियड 24 आवर एज दैट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का टाइम पीरियड है। ठीक है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे सिचुएशन जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड से सेम हो, इसके लिए एक डिफरेंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है सैटेलाइट की, और वो जो इसकी हाइट होगी एट एल्टीट्यूड ऑफ इसकी जो हाइट होगी वो होती है 35,800 किलोमीटर, और अप्रोक्सीमेटली हम इसे है ना, और इसको लिख सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेटली समझ रहे हैं, 36,000 किलोमीटर लिखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करता है, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ के सेंस ऑफ रोटेशन के सेम है, और साथ साथ इसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के सेम है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं मैथमेटिकली कि कितनी हाइट होंगे है ना, और ये हाइट अगर पता हो तो क्या टाइम पीरियड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अपने सैटेलाइट के लिए कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, आपको याद हो, याद है कुछ, अगर जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताना हो तो कुछ फॉर्मूला था ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू
फोर पाई स्क्वेयर बाय जी एम और आर का क्यूब, याद करो एम मास ऑफ द प्लैनेट जिसका सैटेलाइट है ये सारा कॉन्स्टेंट है, आर इज द ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, तो ये सारे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या ही मिल जाएगा। अगर आप टाइम पीरियड बोलते हैं कि मैं एक ऐसा सैटेलाइट मैं इतने हाइट पे इसे फिट करूं कि टाइम पीरियड क्या हो 24 आवर हो, तो यहां 24 आवर पुट करेंगे तो जो ऑर्बिटल रेडियस है वो आपको मिल जाएगा और उससे आप हाइट बता सकते हैं कि सरफेस से उस सैटेलाइट की हाइट क्या होगी। ठीक है, चलो मैं एक मोटा मोटा आपको कैलकुलेशन भी सिखा देता हूं। आइए हम आप लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं। आई होप आप ये थोड़ा सा समझे होंगे कि जियो और स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं और आपको थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, ओके, आइए कैलकुलेशन की तरफ। देखिए, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर बाय जी एम आर, आर इज द ऑर्बिटल रेडियस एंड यू नो वेरी वेल कि ऑर्बिटल रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्लैनेट है उसके सेंटर से जो सैटेलाइट है उसका डिस्टेंस, इसके सेंटर से काउंट करेंगे तो सेंटर से सरफेस तक रेडियस और प्लस सरफेस से अगर एच हाइट पे प्लैनेट है तो एच लिख दूंगा और यहां क्यू लिख दूंगा। ठीक है, समझ आ रही कुछ बातें। तो अब आपको निकालना है क्या है, तो हमें तो बताना है कि कितनी हाइट पे ये यानी कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या होगी सरफेस से, वो निकालना है। तो इसमें आप सारा कुछ पुट कर देंगे, यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करो टी स्क्वेयर, मैं डाटा पुट कर दूं डायरेक्टली। ठीक है, तो एक चीज और टी स्क्वेयर इंटू जी एम बाय फोर पाई स्क्वेयर होल टू दी पावर वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू आर प्लस एच और सोल्व करें तो टी स्क्वेयर इंटू जी एम बाय फोर पाई स्क्वेयर होल पावर वन अपॉन थ्री माइनस आर इज इक्वल टू एच। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे, ये आपका काम है कैलकुलेट करना, टी टाइम पीरियड कितना 24 आवर, इसको सेकेंड में चेंज कर लो, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यू नो, एम मास ऑफ द अर्थ, फोर कांस्टेंट पाई कांस्टेंट और उसका क्यूबिट निकालना है और उसमें से अर्थ के रेडियस को माइनस करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा किसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां से जब हाइट कैलकुलेट करेंगे तो कुछ हाइट आपका आ जाएगा एच इज इक्वल टू 35,800 किलोमीटर और इसी को मोटा मोटी हम लोग लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, इट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे थोड़ा। अब इसी को रिवर्स में भी कर सकते हैं कि अगर इतने हाइट पे हम एच की वैल्यू आपको पता हो तो जो टाइम पीरियड आएगा वो 24 आवर आ जाएगा। क्लियर, चलिए, तो आपने ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सीखे। अब है कि इसका पर्पस क्या है, ये तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, तो इसका क्या पर्पस है। तो जो सबसे मेन पर्पस है वो है कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। अगर मैं पर्पस की बात करूं, पर्पस या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका क्या एप्लीकेशन, पहला कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, और दूसरा वही ब्रॉडकास्टिंग,
टेलीविजन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, टेलीविजन, है ना, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट, ये मेन पर्पस है। देखिए ना, आपके घर में जो भी टीवी सिग्नल को कैच करने के लिए एंटीना लगा होता है, डीटीएच लगे होते हैं, डिश एंटीना लगा होता है आपके छत पे, तो जो डिश एंटीना सेट करने के लिए आता है मैकेनिक्स, वो एक डिफरेंट एंगल में उसको फिक्स करता है। अब ध्यान देना, और आपका टीवी चलता है, अगर जो एंगल चेंज हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत आने लगती है। तो ऐसी क्या खास बात है? तो आंसर है कि देखो, मैं इसको ले आया। सपोज दैट कि आपका घर यहाँ पे है और जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जो इसके लिए आपका टेलीविजन को चलाने के लिए काम आ रहा है, जो सिग्नल देगा आपके टेलीविजन को, वो कुछ यहाँ है, तो आपके घर से वो सिग्नल जो एंटीना है वो ऐसे लगा देता है ताकि उसको अच्छे से कैच करे, है ना, कुछ ऐसा, तो इस एंगल पे लगा देता है। अब ऐसा लगाने से उसे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, वही एंगुलर स्पीड से ये जो सैटेलाइट है वो भी रोटेट कर रहा है, तो हमेशा वो सेम ही ओरिएंटेशन में इस एंटीना के साथ होगा और वो आसानी से सिग्नल को भेजता रहेगा और आपका टीवी, रेडियो जो भी है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन एप्लीकेशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। ठीक है, चलिए, हमने क्या क्या मोटे मोटी चीजें सीखे कि इसका जो हाइट होगा जियो स्टेशनरी का वो 36,000 किलोमीटर लगभग, और इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो अर्थ के सेंस ऑफ रोटेशन में होगा, और टाइम पीरियड 24 आवर होंगे, इसका एप्लीकेशन ऐसे होगा, है ना। और कैसे इसे फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड या बोले हाइट, तो जो बेसिक फार्मूला हमने सैटेलाइट के लिए लिखे थे, टाइम पीरियड के लिए और हाइट के लिए, वही फार्मूला लगा थे, ब्लास्टिंग निकालनी, ब्लास्टिंग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने कुछ ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में सीखे। अब हम लोग बात करेंगे, एक और है पोलर सैटेलाइट, तो इसको रफ कर देता हूँ। सैटेलाइट्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोलर सैटेलाइट ये अर्थ के, ये पोलर प्लेन में रिवॉल्व कर, लाइक दिस, पोल टू पोल। पोलर सैटेलाइट रोटेट अबाउट, रिवॉल्व अबाउट पोल टू पोल, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ चीजें। पोलर सैटेलाइट, पहली बात, इट रिवॉल्व्स अबाउट पोल टू पोल, इट रिवॉल्व्स अबाउट पोल टू पोल, बोले या तो बोल सकते पोलर प्लेन, पोलर इन पोलर प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कट करें तो जो प्लेन मिलेगा उस प्लेन में ये रिवॉल्व करता है। ठीक है,
चलिए। और दूसरी चीज कि अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें तो इसके टाइम पीरियड 2 to 3 आवर हो सकते हैं। इट मे बी अबाउट, मे बी अबाउट 2 to 3 आवर। और इसकी जो हाइट होगी, इट्स हाइट अबाउट 6 to 800 किलोमीटर। 6 to 800 मीन्स 600 to 800, 600 to 800 किलोमीटर। ये वैरी कर सकते हैं, तो ये भी वैरी करेगा, ठीक है ना। मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा दिया, अगर ये और कम होंगे तो 1.5 to 2 आवर हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कितनी हाइट पे, तो जनरली वो 600 to 800 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, कुछ 200 किलोमीटर पे भी होंगे। तो डिपेंड करता है कि उनका पर्पस क्या था। तो ये कोई सर्टेन डाटा नहीं है, बट इस रेंज में होंगे, 1.5 से 3 आवर, 2.5 आवर हो सकते हैं, ठीक है। और इट्स हाइट अबाउट 600 to 800 किलोमीटर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है अभी बाद में, ठीक है। तो पहली चीज कि ये पोलर प्लेन में रिवॉल्व करेगा। इसका जो क्या टाइम लेगा, इट मे बी अबाउट व्हाट इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड 1 to 3 आवर्स हो सकते हैं। और इसका हाइट 600 to 800 किलोमीटर के आसपास होता है। चलिए, और जो खास बात है रब करने से, और एक और खास बात इसमें, कि इसमें कैमरा फिट होते हैं, काफी हाई रिजोल्यूशन का इसमें कैमरा फिट होता है। और ये अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स का पिक्चर लेते रहता है, ठीक है। थोड़ा ऐसे देखना, वो देखो अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है और पोलर सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, या बोले ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहा है। ये रिवॉल्व भी कर रहे हैं और ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। तो पोलर सैटेलाइट में कैमरास फिट होते हैं काफी हाई रिजोल्यूशन के, जो इसके डिफरेंट पार्ट के पिक्चर्स लेते रहते हैं। आप अपने मोबाइल पे बहुत ही आसानी से देख पाते हो कि कहाँ पे प्लेस कैसे दिख रहे हैं, जीपीएस यूज करते हो। तो देखो अब ये जो कैमरास हैं वो इस तरह से फिट है, और जब ये रोटेट करेगा, ये रिवॉल्व करेगा अपने एक्सिस पे, जब ये रोटेट करेगा और ये साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है, देखो सोचो जब यहां से यहां आया उस ड्यूरेशन में ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मीन्स ये कुछ जो पिक्चर लेगा एक स्ट्रिप का लेगा। मैं ऐसे बनाता हूं दूसरा वाला, तो ये जो पिक्चर लेगा ना वो कुछ ऐसे स्ट्रिप का लेगा, वो इसलिए क्योंकि रोटेट कर रहा था और ये ऐसे आ रहा था, तो वैसे कैसे इसमें सीधे नहीं आएंगे, कुछ ऐसा स्ट्रिप बनेगा। दूसरे इंस्टेंट पे दूसरा चक्कर लगाएगा तो फिर से दूसरे स्ट्रिप, तीसरा चक्कर, तीसरे स्ट्रिप, चौथा चक्कर, चौथे स्ट्रिप, इस तरह से करते करते ये पूरे अर्थ को कवर कर लेगा, ठीक है। हो गया ना 24 आवर में कितने चक्कर होंगे, कम से कम 12 चक्कर हो गए, 2 घंटे लेंगे तो 1.5 घंटे लेंगे, 18 चक्कर हो गया कुछ, ठीक है। तो उतने टाइम में ये पूरे अर्थ को कवर कर लेता है, क्लियर। तो इसका काम क्या है कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स का पिक्चर लेना, और जो हमें पर्पस है
वो सोल्व हो जाती है इसके थ्रू। तो इसका काम है देखो, ये जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, दूसरा वेदर फोरकास्टिंग, तीसरा स्पाई रिपोर्टिंग ना? और जैसा हमें काम आता है उसके अकॉर्डिंग हम इससे काम ले लेते हैं। कहीं पे ये सर्विलांस का काम करता है, सर्वेइंग में काम करते हैं, जैसे हमें पता करना है कि कहाँ कहाँ पे सूखा है, कहाँ कहाँ पे अभी हरियाली है, कहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ डेजर्ट है। तो इन सब में हम इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट का पिक्चर लेके हमें बता देगा कि कहाँ पे अर्थ पे सरफेस पे कैसे सिचुएशन है। यहाँ तक कि ये हमें मिलिट्री पर्पस में भी यूज होते हैं। और बताओ तो अर्थ के अंदर कहाँ पे यूरेनियम है, इसे फाइंड करने में भी इसका यूज होता है ना? इसमें उस तरह से डिवाइस फिट कर दिए जाते हैं जो सिग्नल भेजता है और पता कर लेता है कि कहाँ पे यूरेनियम है और कहाँ पे चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग, स्पाई रिपोर्टिंग, सर्वेलांस, सर्वेइंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिलिट्री पर्पस में, डिफेंस पर्पस में यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे से टॉपिक थे और आई होप आपको ये समझ आया होगा पोलर सैटेलाइट के बारे में। तो आज हमने दो पढ़े, वन इज जियो स्टेशनरी, सेकेंड इज पोलर सैटेलाइट। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी पॉसिबल हो जो आपको मैंने असाइनमेंट दिए हैं उसे प्लीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। ठीक है, मैं एक होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ आज भी। एक पोलर सैटेलाइट है और उस पोलर सैटेलाइट की जो हाइट है, हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट अबाउट 600 किलोमीटर है ना, इट इज द हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट। इट इज व्हाट, हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट। सिक्स हंड्रेड किलोमीटर फाइंड एट्स टाइम पीरियड। तो प्लीज आप इसको कैलकुलेट करो। हिंट क्या है, हिंट बताओ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² / gm into ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि टाइम पीरियड क्या होगा जबकि हाइट आपको गिवन है। आप ऑर्बिटल रेडियस समझते हैं, हाइट समझते हैं, तो इसको सॉल्व करके मुझे आप सेंड करेंगे। ठीक है, इट इज योर होमवर्क। ठीक है, ओके, थैंक यू।